हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे बड़ी खबर, आज जारी होगा बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट। जी हां, बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2021 आज जारी होगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी आज दोपहर 3 बजे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सभागार में परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। इस अवसर पर संजय कुमार और आनंद किशोर भी उपस्थित रहेंगे। बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी। इसमें 13,84,000 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिजल्ट जारी होने पर विद्यार्थी अपना रिजल्ट ऑनलाइन BSEB.in या फिर biharboardonline.bihar.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने 26 मार्च को बिहार बंद का किया ऐलान, काला दिवस मनाया जाएगा। जी हां, नीतीश सरकार के बिहार विशेष सशस्त्र के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी भी हाल में बिहार सरकार को इस काला कानून को वापस करना पड़ेगा या इसमें संशोधन करना पड़ेगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन में विधायकों के साथ हुए अत्याचार को लेकर 26 मार्च को महागठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया है और पार्टी इस दिन काला दिवस मनाएगी। अगली बड़ी खबर, आज भारत बंद के दौरान सड़क और रेल परिवहन को बाधित करने की तैयारी, जानिए क्या क्या खुला रहेगा और क्या बंद। जी हां, केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन 26 मार्च को भारत बंद करेंगे। इस दौरान दुकानों, बाजारों और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान आंदोलन के 120 दिन पूरे होने पर भारत बंद किया जा रहा है। किसान संगठनों का भारत बंद 26 मार्च 2021 की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। कांग्रेस, लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है। वहीं किसान संगठनों ने ऐलान किया कि 28 मार्च को वे होलिका दहन पर नए कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दें कि भारत बंद के दौरान सभी तरह के स्कूलें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान दूध और डेयरी के उत्पादों की डिलीवरी को लेकर समस्या आ सकती है। किसान संगठनों ने कहा कि लोगों से स्वेच्छा से दुकान बंद रखने को कहा गया है। बिहार के डीजीपी का बड़ा बयान, विधायकों को थप्पड़ और लात मारने वाले पुलिस वालों पर होगी कार्रवाई। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में विधायकों को लात, जूते और थप्पड़ मारने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और पुलिस के मुखिया एसके सिंघल ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन पुलिस वालों ने विधायकों के खिलाफ आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मंगलवार को बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक घटना हुई थी। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा द्वारा बुलाए गए पुलिस बल की एक बड़ी टीम ने विपक्षों के विधायकों को घसीट घसीट कर लात, जूते और घूसों से मारा था। इस गंभीर मामले पर बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने संयुक्त रूप से कॉन्फ्रेंस किया है। बिहार में फूटा कोरोना बम, 5 दिन में मिले 755 नए मरीज, अब मात्र एक ही जिला कोरोना। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। बिहार में भी फिर से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। इस हफ्ते कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 1.5 गुना तेजी से बढ़ रही है। होली को लेकर कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही थी और ऐसा ही हो रहा है। सिर्फ 5 दिन में 755 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के मामले पाए जाने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने और जिलों में कोविड केयर सेंटर और हेल्थ सेंटर को तैयार रखने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह पर लगी रोक को सख्ती से पालन कराने और मास्क की अनिवार्यता भी सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य में मात्र शेखपुरा ही एक ऐसा जिला है जहाँ फिलहाल एक भी मरीज नहीं है, वहाँ मरीजों की संख्या 0 है।
बड़ी खबर, होली को लेकर प्रशासन अलर्ट। पटना के 10 इलाके संवेदनशील घोषित, 70 से अधिक जगहों पर तैनात होंगे मजिस्ट्रेट। होली के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 10 इलाकों को संवेदनशील घोषित किया है। इन इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने 70 से अधिक जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन की ओर से जिन इलाकों को संवेदनशील घोषित किया गया है उसमें पटना सिटी अनुमंडल के चौक, खाजकेला, आलमगंज, सुल्तानगंज, खुसरूपुर, पटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के पिरबोहर, शास्त्री नगर, गर्दनीबाग तथा दानापुर अनुमंडल के दानापुर और फुलवार शरीफ शामिल है। पटना सदर अनुमंडल में जो इलाके संवेदनशील है उनमें सब्जीबाज, लंगर टोली, खंजारी रोड, बीएन कॉलेज के सामने और इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ का इलाका शामिल है। इसी प्रकार शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में राजा बाजार, समनपुरा, खाजपुरा, मदरसा गली, जगदेव पथ, गर्दनी बाग, थाना क्षेत्र में अनिसाबाद, चित कोहरा, दमडिया रोड, दानापुर में खलीलपुरा, समनपुरा, जमालुद्दीन नचक, लाल कोठी, सुल्तानपुर, पठान टोली आदि इलाका शामिल है। बिहार बोर्ड इंटर व मैट्रिक रिजल्ट सबसे पहले घोषित करने के लिए बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर को मिला आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड। जी हां, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से गुरुवार को सम्मानित किया गया। बोर्ड अध्यक्ष को यह सम्मान 2020 में कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौतियों तथा देश में लागू लॉकडाउन के बीच सुधारात्मक प्रयासों को जारी रखने तथा इंटर मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2020 का परीक्षा फल सबसे पहले घोषित करने के कारण दिया गया है। गुरुवार को आयोजित वर्चुअल सम्मान समारोह में बोर्ड अध्यक्ष को यह सम्मान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दिया है। संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, होली से पहले बिहार सरकार ने बढ़ाया वेतन। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां होली से पहले बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। संविदा पर बहाल कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से संविदा कर्मियों के बीच खुशी की लहर है। संविदा कर्मियों के वेतन में 6,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने गुरुवार को संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीतीश सरकार के इस फैसले से लगभग 950 संविदा कर्मियों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार के इस फैसले के बाद आशु लिपिक का वेतन 19,000 से 25,000, आमीन का वेतन 18,000 से 22,000, निम्न वर्गीय लिपिक का वेतन 17,000 से 21,000 और जंजीर वाहक का वेतन 16,000 से 18,000 कर दिया गया है। बिहार में अभी और बढ़ेगा तापमान, चलेगी पछिया हवा। जी हां, उत्तर बिहार में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। दोपहर में शरीर झुलसाने वाली धूप लोगों को काफी परेशानी कर रही है। मौसम विभाग के विशेषज्ञ की माने तो अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। पछवा हवा चलने के कारण पारा में उछाल देखा जा रहा है। पछवा से प्रदेश की हवा में आर्द्रता कम कम होने लगी है। 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के चलने के कारण आसमान में धूलकण की मात्रा भी बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि राजधानी पटना सहित गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और नवादा जिले में आंधी के साथ बारिश होने के भी आसार है। मुजफ्फरपुर सहित बिहार के 4 स्टेशनों पर मिलेगी विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, रेलवे की जमीन पर बनेगा मॉल। जी हां, मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की कवायद केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। वर्ष 2065 में अनुमानित यात्री संख्या को आधार मानकर जंक्शन का विकास किया जाएगा। जंक्शन पर होने वाले विकास कार्यों में यात्रियों को भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शामिल है। इसमें बिहार के मुजफ्फरपुर सहित 4 स्टेशनों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि इसके तहत रेलवे स्टेशन पर प्रवेश और निकास द्वार ऐसे होंगे जिससे यात्रियों को भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़े। स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट और प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एक्सेलेटर व लिफ्ट बनाए जाएंगे ताकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने जाने में यात्रियों को सुविधा हो। इससे आम यात्रियों के साथ वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही साथ रेलवे के जमीन पर मॉल और मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनेगा। बड़ी खबर, पटना में दूसरा डोज लेने के करीब 1 महीने बाद
तीन डॉक्टर पॉजिटिव। तो दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की दलील, हमने नहीं कहा कि वैक्सीन के बाद कोरोना नहीं होगा। जी हां, देश भर में कोरोना से छुटकारा पाने के लिए वैक्सीनेशन को तेज कर दिया गया है। इसी बीच देश के कई हिस्सों से वैक्सीन लगने के 10 दिन बाद या पहला डोज के बाद पॉजिटिव होने के छिटपुट मामले सामने आ रही है। इसी बीच बिहार में दूसरा डोज लगाने के 1 महीने बाद कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है, जो चौंकाने वाला है। पहला केस NMCH के बाल रोग विभाग में तैनात एक पुरुष डॉक्टर का है, जिन्होंने 22 फरवरी को वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया था। इसके 1 महीने बाद मंगलवार को इनकी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दूसरा केस NMCH के बाल रोग विभाग में तैनात एक महिला डॉक्टर की है, जिन्होंने 24 फरवरी को वैक्सीन का दूसरा डोज लिया था। इसके 28 दिन बाद मंगलवार को इनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। तीसरा केस NMCH के ही एक डॉक्टर की है, जिनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्होंने 1 महीने पहले ही कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया था। बड़ी खबर, होली में DJ बजाना पड़ेगा महंगा, उपद्रव करने वाले पर दर्ज होगी FIR, CM ने दिए निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को होली को लेकर विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और शराब बरामदगी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि होली सब ये बारात को लेकर जिला के अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। त्योहार को लेकर शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही होली के दौरान DJ पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। होली के दौरान किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, राज्य में 1.5 लाख गाड़ियां सड़कों से होगी बाहर, लागू होगा स्क्रैप पॉलिसी। राज्य भर की सड़कों से अगले 1-2 माह में 15 से 20 साल पुरानी लगभग 1.5 लाख गाड़ियां बाहर हो जाएगी। सरकार की ओर से बने नियम के अनुसार 15 साल पुराने व्यावसायिक और 20 साल पुराने निजी गाड़ियों को सड़कों से बाहर किया जाना है। परिवहन विभाग जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी करेगा। अधिकारियों के मुताबिक केंद्र के स्तर पर स्क्रैप पॉलिसी नीति बनाई गई है। इस नीति पर अमल करने की तैयारी बिहार सरकार भी कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंटेलिजेंस ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती के लिए मांगे एप्लीकेशन, 15 अप्रैल आवेदन की आखिरी तारीख। जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 18 मार्च से शुरू हो चुकी है, जो 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। इच्छुक कैंडिडेट तय तारीख से पहले ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि पदों की कुल संख्या 100 है और इसकी योग्यता किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार narcoticsindia.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि हमारे देश के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।